करता है, आपने देखा था पूरा चित्रकूट शहर, मैंने एक दिन में आपको पूरा चित्रकूट शहर कवर किया। तो आज है चित्रकूट से लौटने का समय। सो गाइस, आदि वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ से लखनऊ, चित्रकूट से लखनऊ। जब मैं लखनऊ से चित्रकूट आया था तो रात का अंधेरा था, तो मैं इसका ब्लॉग बनाया नहीं था। तो आज दिन के उजाले में हम देखेंगे यहाँ से चित्रकूट से लखनऊ का रास्ता। सो मिलते हैं ऑन द वे, चलते हैं फिर से एक और राइड पे। स्टे ट्यून इन माय चैनल, देखते हैं क्या क्या मिलेगा रास्ते में। एक्चुअली कल मेरा फास्ट था तो बहुत ज़्यादा पहले भूख लग रही थी मेरे को। कल पूरा दिन जो मेरा था फास्ट था, कल मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ 15 चाय भी थी, उसके अलावा बाकी सब नीलपट्टे सन्नाटा है। सो दोस्तों, रखा था मैं इस होटल में जगदीश भवन, तभी करते हैं लीव। आप यहाँ आ सकते हैं आराम से, यहाँ आपको 400 या 500 रुपये में रूम मिल जाएगा आसानी से। चित्रकूट सामने जो भी जा रहा है वो चित्रकूट को जाता है बिल्कुल, यहाँ से राम घाट है आधा किलोमीटर, हमें यू टर्न लेके जाना पड़ेगा लखनऊ की ओर को। मेरा यकीन मानिए, जब भी आप चित्रकूट को आओगे तो जो जो मैंने प्लेस दिखाए हुए हैं, पहला वाला ब्लॉग मेरा देख लेना आप सब, वो घूमोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और थोड़ा जो ये इलाका है, पूरा मतलब शहर है, इसमें गाँव की छवि काफ़ी है। आप मेरे किनारे किनारे मकान देख सकते हैं, लोगों ने गाय पाली हैं, भैंस पाले में, थोड़ा गांव का माहौल ज़्यादा है और लोग काफ़ी अच्छे हैं। आप उनको पूछोगे कि कहाँ डेस्टिनेशन में जाना है तो बिल्कुल आराम से आपको सब कुछ लोग बता देंगे। अगर आपको पूरा शहर घूमना है, अगर आप बाइक से नहीं आते पूरा शहर घूमना है, तो आप 250 रुपये से लेके 500 रुपये तक आपको ऑटो मिल जाएगा, पूरा बुक हो जाता है ऑटो, और दिन भर आपको चित्रकूट के विजिटिंग प्लेस में घुमा देता है। अगर आपको शेयरिंग वो मिल जाए तो आप सोचिए कि आपको करीब 70 रुपये देना पड़ेगा पूरे दिन का उस ऑटो में घूमने का, अगर शेयरिंग में आपको 4-5 लोग मिलते हैं तो। तो देखते हैं आगे का रास्ता। यहाँ से लखनऊ की डिस्टेंस है करीब 270 किलोमीटर, और मेरा आज तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि आज मैं जो है 270 किलोमीटर है इस डिस्टेंस को जल्दी से जल्दी कवर करूँ, क्योंकि अभी मॉर्निंग के करीब 8:15 बजे में मैं यहाँ से निकला हूँ, जो तो करीब मेरा टारगेट है कि लखनऊ मुझको 12 बजे तक पहुँचना है। अगर मैं 12 बजे तक लखनऊ पहुँच जाता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आप रास्ता देख सकते हैं, चारों खूबसूरत खेत, और इनके बाद बीच में मेरी बाइक। तो एक टी ब्रेक के लिए रुका था मैं यहाँ पे, इनका समोसे बहुत अच्छे आते हैं, परसों रात भी रुका था, समोसे काफ़ी अच्छे थे। अभी समोसे और चाय पी, इसके बाद निकलते हैं फिर से वापस आगे की ओर।
लेकिन ट्रैफिक भी काफ़ी रहता है उसमें और लोग अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं इस रास्ते पर। देखिए अयोध्या 143 किलोमीटर, कुशीनगर 332 और बस्ती 208। तो अगर आपको कहीं यहीं जाना है तो आप यहाँ से भी मतलब ऐसे जा सकते हैं आराम से। सो गाइड, जो मैं ब्रेकफास्ट था वो था चित्रकूट पे और जो लंच था वो हुआ आपके लखनऊ में आके, और जो दूरी तय की मैंने वो दूरी तय करने में जो मैं टाइम लगा टोटल वो टाइम लगा करीब 4 आवर 25 मिनट। इसमें 10 मिनट का ब्रेक था वो ब्रेकफास्ट वाला, ओसा में कोई ओसा करके मंजनपुर के पास में कोई प्लेस था वहाँ पर मैं रुका था चाय और समोसे खाने के लिए। उसके बाद तुम्हारे भाई ने राइड किया लगातार करीब चित्रकूट से करीब चला था मैं करीब 60 किलोमीटर यानी कि 210 किलोमीटर। फिर मैं उसके बाद लगातार मैंने राइट लाई और फोड़ के रखा हुआ पूरा रास्ते पर, कोई दूर दूर तक कहीं नहीं मिला। मतलब जिसे मैंने ओवरटेक किया उसने मुझे दोबारा ओवरटेक नहीं किया, सीधी बात यह है मतलब। तो उसके बाद मैं लखनऊ पहुंचा 4 घंटे 15 मिनट में और 270 किलोमीटर की दूरी पूरी तय की। थोड़ा अर्जेंट काम था इसलिए फास्ट लाया, वैसे फास्ट मैं चलाता नहीं हूँ लेकिन अगर कुछ अर्जेंट काम बढ़ गया था तो इसकी वजह से मेरे को जल्दी आना पड़ा लखनऊ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो बनता है, भाई की मेहनत है। उसके बाद फिर से नए ब्लॉग में मिलेंगे किसी नए डेस्टिनेशन पे, घूमेंगे फिर से आदि ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय, और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे धूम मचाते हुए।